बड़वानी अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए मकानों के प्रभावित महिला पुरुषों ने प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ के काफिले को रोक की। मकानों की मांग। बड़वानी पहुंची प्रभारी मंत्री के काफिले को अतिक्रमण में तोड़े गए मकान के प्रभावित महिला पुरुषों ने कलेक्ट्रेट रोड पर रोककर उनसे मकानों की मांग की। पत्रकार वार्ता में मंत्री ने बताया कि आज मेरा पहला दिन है, क्या मामला है समझती हुई उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगी। वन्ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं को बंद किए जाने पर कहा कि पूर्व कुछ नहीं होता। जिन जिन योजनाओं को चलाया जा रहा था उनमें कई प्रकार की विसंगति है, इसलिए उन योजनाओं को बंद किया जा रहा है क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, लोगों ने चुनकर बनाया है, उनकी उम्मीद पर खरा उतारना पहला प्रयास है और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ सुलझे हुए अनुभवी नेता हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे सोच समझकर ही लेंगे। वन्ही मंत्री से जब ढोल मंजीरों में राशि बच जाने की बात की तो उन्होंने साफ किया इसकी जांच होगी, कहा और कितनी राशि बची है और उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की कमी की बात की तो मजाकिया अंदाज में मंत्री महोदया ने कहा कई डॉक्टर राजनीति में आ गए हैं इसलिए परेशानी आती है, प्रयास रहेगा बड़वानी सहित पूरे प्रदेश में अच्छे डॉक्टर और अच्छी सेवाएं दी जाए। एमपी यूजकास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट। कलेक्ट्रेट पहुंचे अतिक्रमणकारियों के मकान तोड़े गए थे, आज उन्होंने आपका गाड़ी को घेरा है, रोका है, क्या मांग की है? देखिए प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। मुझे बताया गया, मैं अभी मीटिंग में आई हूँ, मेरी पहली मीटिंग है, अभी देखूंगी मीटिंग में कलर साहब भी है, देखिए क्या है, क्यों हटाया गया, क्या कारण थे, गरीब के साथ अन्याय नहीं करता। मैडम पूर्व सीएम के कई डिसीजन बदले गए हैं कमलनाथ सरकार ने, जैसे भजन मंडली को 57 करोड़ रुपए की राशि जो जारी की गई थी वो वापस मांगी है कमलनाथ सरकार ने, क्या कहोगे उसको? देखिए पूर्व और वर्तमान कुछ होता नहीं है, है ना, सब कुछ ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। पब्लिक ने, जनता ने हमें बिठाया है, 15 साल में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, 15 साल से जो हर वर्ग परेशान हुआ है, तो जनता ने कांग्रेस को आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार सौंपी है और कमलनाथ जी अनुभवी और एडमिनिस्ट्रेटिव में काफ़ी क्षमताएँ हैं और नेतृत्व हमारा जो है बहुत क्षमतावान और जवान है, उनके नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं और जो चीज़ें खराब हुई है उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। मैडम राशि वापस वसूल हो सकती है, भंडरवाट का आरोप लगाया है, किस तरीके से वसूल होंगे राशि? देखिए जो चीज़ों के लिए जो राशि का आवंटन किया गया था अगर वो व्यवस्थित रूप नहीं रही तो एक शासन की प्रक्रिया होती है, अगर नहीं होती है चीज़ें तो शासन कई मामले में पैसे लेप्स हो जाते हैं, कई मामले में पैसे वापस हो जाते हैं, किसी दूसरी योजना में खर्च हो जाते हैं। नहीं वो पेमेंट पंचायतों को जारी हो चुका है मैडम, ढोल मजीरे खरीदी जा चुकी है, पंचायतों को पेमेंट जारी हो चुका है, 822 पंचायत है जहाँ पेमेंट राशि डल चुकी है, अब उनको निकाल पाना? मैं देखूंगी इसमें कि कहाँ डल पैसा निकल चुका है, कहाँ नहीं, उसको निर्दोष के आधार पर। मैडम बड़वानी जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है और हर जिला जो है पास में लगता है, इसके कारण बड़ी तकलीफ आती है, तो डॉक्टर कमी के लिए क्या? केवल यही कमी नहीं भाई, पूरे प्रदेश में डॉक्टर, बड़वानी में दो जिले लगते हैं, डॉक्टर क्या राजनीति में आ जाते हैं। बड़वानी जिले के लिए कोई मैडम बड़वानी जिला अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्या उसके लिए आप प्रयास करेंगे? आप सही कह रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों की, आपने जो मुद्दा उठाया, 15 साल में व्यवस्था बहुत खराब हुई और जो डॉक्टर थे आज बहुत पीएससी खाली है, सीएससी खाली पड़ी है, सीएससी में जहाँ 4 स्पेशलिस्ट होना चाहिए 2 प्लेन एमबीबीएस होना चाहिए वहाँ भी मात्र 1 या 2 डॉक्टर चला रहे हैं। मेरे पास मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और मेडिकल कॉलेजेस हमारे 5 हैं और 4 शीघ्र ही आने वाले हैं, तो मेरे प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हमारे डॉक्टर हो और वो सेवाएँ मध्य प्रदेश को दें, ये हम कोशिश और प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ ही जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग, आप ही बता दें कि भाई डॉक्टर वहाँ जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डॉक्टर की पोस्टिंग तो हो जाती है लेकिन वो फिर बड़े शहरों में ही रहते हैं, तो कलेक्टर साहब से ही बात करेंगे। हाँ लोकल व्यवस्था है तो ब्लड सेपरेशन यूनिट के लिए प्रयास किए जाएंगे, बिल्कुल आप ब्लड सेपरेशन जो करें, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन, आज रोकस की बैठक भी है, रोकस की बैठक भी है, रोगी कल्याण समिति, इसके बाद में